हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी रेसिपी में हम केले से फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रहे हैं, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कच्चे केले को पील करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। अब इसके लंबे पीसेस कट करें। एक बाउल में एक ग्लास जितना पानी और दो टेबलस्पून नमक ऐड करें। अब इसमें कट किए हुए कच्चे केले ऐड करें। इसे नमक के पानी में डालने से ये काले नहीं पड़ते। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब केले को पानी में से निकाल लें। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर इसमें दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करें। नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें केले के फ्राइज ऐड करें। एक साथ 15 से 20 फ्राइज ऐड कर सकते हैं। इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहिए। अब हमारे फ्राइज क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मसाला बनाने के लिए एक बाउल में हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट और हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट लें। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंच फ्राइज मसाला तैयार है। अब इस मसाले को तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पे स्प्रिंकल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।